हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो ब्लीचेस के ऊपर है, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने सैलून में कौन सी ब्लीचेस रखनी ज़रूरी है और कम ब्लीचेस में भी आपका काम अच्छे से हो जाए। इस तरीके से आप अपने पार्लर में ब्लीचेस को रखिए। बहुत ज़्यादा आपको रखने की नीड नहीं होती, जो जो काम वाली आपके मतलब अच्छे से काम में आ जाए, उन ब्लीचेस के बारे में आपको बताऊँगी। ब्रांड आप लोग खुद से डिसाइड करें कि हमें कौन सा ब्रांड लेना है, क्योंकि हर ब्रांड में वही सब ब्लीचेस होती हैं। तो आपको कौन सा ब्रांड रखना है, आप फेशियल का कौन सा ब्रांड अपने पार्लर में रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने ब्लीच का ब्रांड भी चूज़ कीजिए। तो ब्लीच का वर्क आप लोगों को पता है कि हमारे हेयर्स को ब्लोंड करने का होता है, फेशियल हेयर्स को, और हमारे अनइवन स्किन टोन को एक अच्छा सा टोन क्लियर कर देता है। अनइवन स्किन टोन को जैसे पैच वगैरह बन रहे हो, वो सब क्लियर हो जाते हैं और एक बहुत अच्छा सा ग्लो आता है हमारे फेस पर। तो हमें कौन कौन सी ऐसी ब्लीचेस हैं जो अपने पार्लर में रखनी चाहिए, तो बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं इनमें। तो कुछ ब्रांड्स जो मैं अपने पार्लर में रखती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपको हमने फेशियल किट के बारे में पहले वीडियो में बताया था कि हमको अपने पार्लर में कौन सी ऐसी फेशियल किट रखनी चाहिए जो कि हमारे बजट फ्रेंडली हो। तो वो हमने बताया था आपको नेचर्स या आप लोग VLCC ब्रांड या ऑक्सी ग्लो ब्रांड, इस तरीके से तीन ब्रांड्स आते हैं, आप उनको रख सकते हैं। और भी बहुत सारे आते हैं जो आपको अच्छे लगे। ये ब्रांड्स ऐसे हैं जो सब लोग जानते हैं बहुत अच्छे से और आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप इनमें से कोई भी एक ब्रांड चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने नेचर्स ब्रांड का फेशियल्स लिए हैं, तो अच्छा रहेगा कि आप नेचर्स ब्रांड की ही ब्लीचेस रख लीजिए, जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ब्लीच हमको कौन कौन सी रखनी है अपने पार्लर में, एक तो हम लोग फ्रूट ब्लीच ज़रूर रखें अपने पार्लर में जो ऑल स्किन टाइप होगी। हर्बल ब्लीच रखें जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए होगी, और एंटी एजिंग पे भी हम लोग इनको कर सकते हैं ब्लीचेस को। और हम लोग रखेंगे ऑक्सी ब्लीच, ये भी सेंसिटिव स्किन के लिए होती है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, जिनका फेस पे ड्राइनेस वगैरह या कमी लगती है ना शाइन वगैरह की, तो ऑक्सी ब्लीच से बहुत अच्छी शाइन आती है। इस तरीके से अगर हम ब्राइड्स के करते हैं तो हम लोग गोल्ड ब्लीच रख सकते हैं, डायमंड ब्लीच रख सकते हैं। तो दो ब्लीच हमारी ब्राइडल्स के लिए हो गई और बाकी ब्लीचेस हमारी नॉर्मल जो हमारे क्लाइंट आते हैं उनके लिए हो गई। तो ब्रांड हम लोग जैसे डिसाइड करेंगे, अगर आप VLCC के फेशियल्स अपने ब्रांड में रख रहे हैं तो उन्हीं की ब्लीच ले लीजिए। उनकी एक ऑक्सी ब्लीच लीजिए, एक हर्बल लीजिए, एक फ्रूट लीजिए, एक गोल्ड लीजिए और एक डायमंड लीजिए। ऐसे पाँच ब्लीच आप रखिए। तो मैंने अपने पार्लर और एक ब्लीच आप और रख सकते हैं जो कि ऑयली स्किन के लिए है। ऑयली स्किन के लिए आप वैदिक लाइन की चारकोल ब्लीच लीजिए। चारकोल ब्लीच और ब्रांड्स में भी आती है, आप ट्राई कर सकते हैं। मेरे को ये बेस्ट ब्लीच लगती है वैदिक लाइन ब्रांड की। तो इस तरीके से कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी ब्लीचेस बहुत ही अच्छी होती हैं। तो और ऐसे ऑक्सी ब्लीच का मैंने आपको बताया कि ऑक्सी ब्लीच रखना ज़्यादा अच्छा होता है हमारे पार्लर के लिए। तो इस तरीके से मेरे पास तीन तरह की ब्लीचेस थी, तीन या चार तरह की, अभी मैं दो बता रही हूँ आपको। एक तो ऑक्सी ग्लो ब्रांड की, जो आप कम रेंज में रख सकते हैं अपने पार्लर में, क्योंकि हर तरह का क्लाइंट आता है आपके पास, तो आपको सब तरीके का सामान रखना पड़ता है। फिर एक बहुत अच्छे ब्रांड में जाओ तो शायरल्स ब्रांड की ऑक्सी ब्लीच आती है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो इसका कॉस्ट भी ज़्यादा आता है, आप कस्टमर से उस हिसाब से अपना चार्ज ले सकते हैं, लेकिन रिज़ल्ट इसके इतने अच्छे हैं कि किसी भी ब्लीच का इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता जिसका शैरल्स ब्लीच का आता है। तो ये मैं ज़रूर रखती हूँ अपने पार्लर में। वैदिक लाइन की मैंने ये चारकोल ब्लीच रखी है, नेचर्स में भी शायद आती है, तो आप उस वाले ब्रांड को में भी परचेज कर सकते हैं इसको। चारकोल ब्लीच ऑयली स्किन पे अच्छा काम करती है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट है, लास्टिंग बहुत अच्छी है इसकी, बहुत अच्छा ग्लो आता है, प्योरीफाई करती है आपकी स्किन को, बहुत अच्छा ग्लो लेकर आती है स्किन पर। तो ये भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। एक आप लोग पर्ल या डायमंड या गोल्ड, इनमें से अपनी रेंज बना सकते हैं ब्लीच की। तो डायमंड और गोल्ड रख लीजिए, वो बेटर है। जैसे मैंने नेचर्स ब्रांड की डायमंड ब्लीच रखी है, ये एडवांस डायमंड ब्लीच है जो अभी लॉन्च हुई है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप ब्राइड्स को ये कर सकते हैं फेशियल के साथ, जैसे आप डायमंड फेशियल कर रहे हैं तो डायमंड ब्लीच कर दीजिए, और अगर आप गोल्ड फेशियल कर रहे हैं तो गोल्ड ब्लीच कर लीजिए। देखिए नेचर्स ब्रांड की गोल्ड ब्लीच है, अगर आप गोल्ड नेचर्स का फेशियल करें तो आप गोल्ड ब्लीच यूज़ कर लीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है नेचर्स का गोल्ड कर रहे हैं तब नेचर्स की ही ब्लीच यूज़ करनी है, ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी आप किसी भी ब्रांड के साथ कोई भी ब्रांड की ब्लीच यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से वैदिक लाइन की जो गोल्ड ब्लीच है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, आप वैदिक लाइन में भी ये रख सकते हैं। और गोल्ड ब्लीच हमारी शैरल्स ब्रांड में भी आती है, जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, तो आप ये शैरल्स ब्रांड की गोल्ड ब्लीच भी अपने सैलून में रख सकते हैं। इस तरीके से आप ब्लीचेस की एक रेंज बनाएंगे।
तो मेरे हिसाब से ब्लीचेस की रेंज आपकी फेशियल किट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर भी आप देखेंगे कि आपका वहाँ की लोकेलिटी कैसी है, कैसा कस्टमर आपके पास आता है। पहले शुरू में आप अगर दो ब्लीच ही ट्राई करना चाहते हैं तो एक फ्रूट ब्लीच और एक ऑक्सी ब्लीच रखिए। अगर आपको लगता है आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं जो मैरिज जिनकी होने वाली है, प्री ब्राइडल कराना चाहते हैं आपसे, या शादी से पहले वो ब्लीच और फेशियल कराना चाहते हैं, तब आप गोल्ड और डायमंड उसमें इंक्लूड कर लीजिए अगर आप नया पार्लर खोल रहे हैं तो। और अगर आपका पार्लर है तो आप इन सब ब्लीचेस को रख सकते हैं आराम से। अकॉर्डिंग टू स्किन आप ब्लीच कीजिए सबके, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इन ब्लीच के, तो आप इन ब्लीचेस से अपने पार्लर की शुरुआत कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।